परम पूज्य संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरी जी महाराज की कृति भागवत नवनीत, उसमें द्वितीय स्कंध मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम आवश्यक। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। शुकदेव जी महाराज की आज्ञा है, एकांत में बैठकर थोड़ा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है, प्राणायाम करने से मन की चंचलता कम होती है। प्राण वीर्य और मन तीनों साथ में रहते हैं। जिसका वीर्य स्थिर है उसी के प्राण स्थिर होते हैं, उसी का मन स्थिर रहता है। मन को स्थिर करना हो तो शक्ति का संग्रह करो। शक्ति का विनाश करने से मन चंचल हो जाता है। जो शक्ति का संग्रह करता है उसी के प्राण स्थिर होते हैं, उसी का मन स्थिर होता है। प्राणायाम के तीन भेद बताए हैं, पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम और रेचक प्राणायाम। भागवत का एक सिद्धांत है, भक्ति कभी मत छोड़ो। ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होता है। प्राणायाम भी भक्ति के साथ करो। आंख बंद करके बैठो, हृदय में थोड़ी नजर करो। आंख बंद करके जो हृदय को देखता है उसको प्रकाश दिखता है। हृदय में दिव्य प्रकाश है, जिस प्रकाश से आंख को देखने की शक्ति मिलती है। प्रत्येक के हृदय में प्रकाशमय परमात्मा है। आंख बंद करके हृदय में नजर करो, प्रकाशक का दर्शन होगा। फिर प्रकाश में कमल की भावना करो, एक सुंदर कमल है। दाहिने नाक से बाहर की वायु को धीरे धीरे अंदर खींच लो। उस समय भावना करो कि मेरे भगवान हृदय कमल में आए हैं। उस समय श्री राम श्री कृष्ण भगवान के नाम का जप करो। ऐसी भावना करो कि भगवान मेरे हृदय कमल में आए हैं। दाहिने नाक से प्राण वायु को अंदर खींचना, इसी का नाम पूरक प्राणायाम है। पूरक में भगवान अंदर आए हैं, ऐसी भावना करनी है। भावना में बहुत शक्ति है। जो ऐसी भावना करता है कि भगवान मेरे हृदय कमल में आए हैं, उसे कभी कभी दिव्य सुगंध की अनुभूति होती है। भगवान के श्री अंग से सुगंध निकलती है, इसीलिए भगवान के एक एक अंग को कमल की उपमा दी गई है। कर कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, भगवान मेरे हृदय में आए हैं। इस भावना के साथ वायु को अंदर रोक कर रखना, इसी का नाम कुंभक प्राणायाम है। कुंभक प्राणायाम में श्री कृष्ण मिलन की भावना करो। हृदय कमल में मेरे भगवान हैं, भगवान का मैं वंदन करता हूँ। भगवान ने मुझे उठा लिया है, छाती के साथ लगाया है, मैं भगवान में मिल गया हूँ। मेरे भगवान के साथ मैं एक हो गया हूँ। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आएगा, शरीर शरीर को मिलता है तब सुख होता है। शरीर को मिलने से सुख होता हो तो शव को मिलने से भी सुख होना चाहिए। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आएगा, शरीर शरीर को मिलता है तब सुख होता है। शरीर को मिलने से सुख होता हो तो शव को मिलने से भी सुख होता है होना चाहिए। शव में हाथ पांव सब कुछ है, किंतु शव को मिलने से सुख नहीं होता है। जीव किसी जीव को मिलता है तब सुख होता है। जीव जब ईश्वर को मिलता है तब कैसा आनंद होता होगा। हृदय कमल में नारायण है,
मैं भगवान को वंदन करता हूँ, मैं शरण में आया हूँ, मेरे भगवान अति उदार हैं, मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है, मैं वंदन करता हूँ, तब भगवान ने मुझे उठा लिया है। किसी को भी भगवान से अलग मत करो। हमारे शास्त्रों में कहीं भी हरिजन का तिरस्कार नहीं किया गया है। शूद्र भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र का जो अपमान करता है वह भगवान के चरणों का ही अपमान करता है। सभी भगवान को भगवान के अंग होने से सभी श्रेष्ठ हैं। हल्का तो वह है जो अपना धर्म छोड़ता है। जिसने अपना धर्म छोड़ा है वह हल्का है। ब्राह्मण संध्या गायत्री न करें वह श्रेष्ठ नहीं है। जो 3 दिन तक संध्या किए बिना खाता है वह शूद्र के जैसा हो जाता है। एकाहम जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयम् द्वादशाहम अनग्निश्च शूद्र एव न संशयः। ब्राह्मण संध्या गायत्री न करें, अपना धर्म छोड़े वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, वह हल्का है। जो अपने धर्म में स्थिर है वही श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म छोड़ता है वह कनिष्ठ है। सभी भगवान के अंग हैं, कोई हल्का नहीं है। किसी को हल्का मानना नहीं, जो दूसरे को हल्का समझता है वही हल्का है। जो दूसरे को हल्का समझता है वही हल्का है। अपना धर्म जो छोड़ता है वह हल्का हो जाता है। सभी को भगवान का अंग मानो। किसी को भी भगवान से अलग मत करो। ये 5 अंगुलियां हैं, अच्छी लगती हैं। 5 अंगुलियां अच्छी क्यों लगती हैं? अंगुलियां हाथ में हैं, हाथ शरीर में है। इस हाथ को कोई शरीर से अलग करे, अंगुलियों को कोई शरीर से अलग करे, तो अंगुलियां अच्छी नहीं लगेंगी। किसी को भी भगवान से अलग मत करो। सभी को भगवान में देखो, सभी को भगवान के साथ देखो, आपका मन नहीं बिगड़ेगा। जो सबको भगवान के साथ में देखता है उसका सूक्ष्म मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। ज्ञान में भक्ति में मन मुख्य है। ज्ञान और भक्ति में तन और धन दोनों ही गौण है, मन एवं मुख्य है। मानव तन से थोड़ी भक्ति करता है, धन से भक्ति करता है, मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है कि मन भगवान को स्पर्श करे। मन शुद्ध हो तभी भगवान का स्पर्श कर सकता है। प्राणायाम करने से मन की शुद्धि होती है। विराट पुरुष की धारणा करने से सूक्ष्म मन की शुद्धि होती है। जगत भगवान का स्वरूप है। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। श्रीमद्भागवत 2:1:26। पाताल भगवान के चरण में, सत्यलोक ब्रह्मलोक भगवान के मस्तक में, सभी के आधार भगवान है। इसीलिए जगत प्रभु का ही स्वरूप है। जगत को भगवान से अलग मत करो। साधारण मानव जगत और ईश्वर दोनों को अलग समझता है, इसी से उसका मन बिगड़ता है। जो जगत को भगवान के साथ में देखता है उसका मन शुद्ध होने लगता है। मन शुद्ध होने पर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने की आज्ञा दी है। भगवान का श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है। भगवान के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। भगवान का श्री अंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद ही भगवान है। सुंदर पीतांबर पहना है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, भगवान की आंख में प्रेम है। कोई भी जीव जब नारायण का ध्यान करता है तब भगवान गाल में धीरे धीरे हंसने लगते हैं, प्रेम से उसे देखते हैं। भगवान के ध्यान में जीव जब जगत को भूलता है, ध्यान में जो अपने देव को भी भूल जाता है उसी को देव का दर्शन अवश्य ही होता है। जब तक देव का स्मरण है, जब तक देव का दर्शन नहीं होता है
जब तक देह का स्मरण है तब तक देव का दर्शन नहीं होता है। जिसको याद आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसको भगवान का दर्शन बराबर नहीं होता। भगवान के ध्यान में जो जगत को भूलता है, जो देव को भी भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। फिर क्या होता है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतिशय आनंद मिलता है, ध्यान करने वाला भगवान में ही मिल जाता है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है तब सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता है। जो ध्यान करता है उसको ध्याता कहते हैं। भगवान ध्येय है, जीव ध्याता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, दर्शन, दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रेमी, प्रेम और प्रियतम, भक्ति, भक्त और भगवान, आरंभ में ये तीन होते हैं। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो तो ये तीनों एक हो जाते हैं। इसी को शास्त्रों में अद्वैत कहा है। ध्यान करने वाला ध्येय भगवान में मिल जाता हूं, परमात्मा के साथ एक हो जाता है, इसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। जो बिंदु सिंधु में मिल गया है उस बिंदु को सिंधु भी अलग नहीं कर सकता। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। ध्यान में जीव जब ईश्वर में मिल जाता है तब भगवान भी जीव को अलग नहीं कर सकते। इसी को कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के पीछे जो वैष्णव आचार्य हुए हैं, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी, भगवान मध्वाचार्य श्री मध्वाचार्य स्वामी, भगवान महाप्रभु जी आदि आचार्यों ने अद्वैत तो माना है। वैष्णव आचार्य द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। कोई विशिष्ट अद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं। भागवत में खंडन नहीं है, कभी खंडन करना भी नहीं। खंडन करने से मन बिगड़ जाता है, खंडन करने से वैर उत्पन्न होता है। भागवत में मंडन है, कहीं कहीं शब्दों में थोड़ा भेद है किंतु तत्व एक ही है। कहीं कहीं शब्दों में थोड़ा भेद है किंतु तत्व एक ही है। वैष्णवाचार्य अद्वैत तो मानते हैं, द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझने के लिए एक सुंदर दृष्टांत दिया है। जो मीन जल में डूब हुआ है उसको गर्मी का त्रास नहीं होता है, जो जल में डूबा है उसको ठंडक है, शांति है। किंतु जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता है, वह जल से बाहर निकलता है और पुनः अंदर आता है तब जल पान करता है। वैष्णव ब्रह्म रस का अनुभव करते हैं। रसो वैसा, वेदों में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्म रसमय है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं, अच्छा है, किंतु भक्त भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव करते हैं। जल में डूबा हुआ मीन जिस प्रकार जल नहीं पी सकता, उसी प्रकार ब्रह्म रस में जो डूब गया वह ब्रह्म रस का पान नहीं कर सकता है। वैष्णव प्रेम से तो भगवान के साथ एक ही होते हैं, किंतु एक होने पर भी भगवान से अलग रहते हैं, सेवा करते हैं। उनको भक्ति में ही आनंद आता है, पूर्ण अद्वैत में भक्ति नहीं होती है। भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतं अद्वैतादपि सुंदरं अद्वैतं सुखभोगाय द्वैतं भजन हेतवे। तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तु मुक्तिश्चताधिको। वेदांत के ग्रंथों में ज्ञान से अद्वैत सिद्ध किया है और वैष्णव शास्त्रों में प्रेम से अद्वैत को माना है। भक्त और भगवान अंदर से तो एक ही होते हैं, एक होने पर भी भक्त भगवान से अलग होकर सेवा करते हैं। भक्तों को भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। ऐसे भक्त गोलोक धाम में जाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। गोलोक धाम में काल को कभी प्रवेश मिलता ही नहीं, काल कभी आता ही नहीं। भगवत सेवा में ही सुख अगले देखेंगे। हरे राम, हरे कृष्ण, राधे राधे, गोविंद।
ओं तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सद्गुरु चरणार्पितमस्तु। परम पूज्य संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरी जी महाराज की चरणारविंद अर्पितमस्तु। ओं तत्सत्।